कि माँ का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता है। जैसे कि एक बार एक माँ बूढ़ी थी, अपने बच्चे से कहने लगी तू मेरा कर्ज कभी अदा नहीं कर पाएगा। वो लड़का कहने लगा जब देखो तब तुम सिर्फ यही ताना मारती रहती हो कि तुम कर्ज नहीं अदा कर पाओगे, तुम मेरा कर्ज नहीं अदा कर पाओगे। वो लड़का नाराज होकर के अपनी माँ से कहने लगा ये बात बताओ कि तुम्हारा कर्ज कैसे अदा होगा, हमसे बताओ हम तुम्हारा कर्ज अदा करेंगे। वो मैया कहने लगी कि बेटा अगर तुम मेरा कर्ज अदा करना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, बस एक रात मेरे साथ लेट जाओ। उस लड़के ने कहा कि तुम्हारा कर्ज जो है वो अदा हो जाएगा, तो कहा हाँ बिल्कुल अदा हो जाएगा। तो कहा ठीक है। रात्रि आई, अपनी माँ के साथ वो बेटा लेट गया और जो लेटा कुछ ही देर हुआ था कि बेटे को हल्की सी नींद आई। उसी समय मैया ने जगाया और कहा बेटा मेरी प्यास लगी है, जाओ पानी ले आओ। वो उठा और पानी लेकर के आया। आज उस मैया ने क्या किया, थोड़ा सा पानी पिया और जहां पर वो बेटा उनका लेटा हुआ था उसी जगह वह जूठा पानी गिरा दिया, ना दिया। और जैसे गिरा दिया अब तो बिस्तर गीला हो गया। वो लड़का कहने लगा अरे मैया तुमने तो मेरा बिस्तर गीला कर दिया। मैया ने कहा कोई बात नहीं बेटा लेट जा। फिर से लेट गया। कुछ ही देर हुआ था कि मैया ने फिर जगाया और कहा बेटा मेरी प्यास लगी है, जाओ पानी ले आओ। फिर से वो बेटा गया पानी लेने के लिए और फिर पानी लेकर के आया। देने लगा, मैया ने थोड़ा सा पानी पिया और उसी जगह फिर ना दिया, फिर बिस्तर गीला कर दिया। बेटा फिर चिल्ला करके कहने लगा रही मैया तुमने तो दूसरी बार भी मेरा बिस्तर गीला कर दिया। मैया ने कहा कोई बात नहीं लाला, अरे तुम लेट जाओ। फिर से लेट गया, बिस्तर गीला होने की वजह से कुछ देर तो नींद नहीं आई। कुछ देर के बाद जब नींद आई हल्की सी, उसी समय मैया ने फिर जगाया और कहा कि बेटा मेरे प्यास लगी है, पानी ले आओ। आज जब वो फिर गया पानी लेने के लिए और जब फिर गया फिर पानी लेकर के आया, मैया को दिया। मैया ने फिर थोड़ा सा पानी पिया और बिस्तर पर गिरा दिया। अब तो बेटा बड़ी जोर से चिल्ला करके बोल पड़ा अरे अंधी माँ तुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, एक बार नहीं दो बार नहीं, तूने तो मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया, अब मैं कहाँ सोऊं जाऊं। जैसे कहा अरे अंधी माँ, मैया उठी और दो चार तमाचे खींच खींच करके लगाए और कहा कि अरे दुष्ट मैं तो तेरे मोद्र पर सोती थी, पूरा बिस्तर गीला कर देता था तू, और ये तो सिर्फ मेरा जूठा पानी है। और तब जब तेरा बिस्तर गीला हो जाता था मैं गीले में आ जाती थी और तुझे सूखे में सुलाती थी, और तू आज मेरा कर्ज अदा करने के लिए चला है। अरे तू क्या, चाहे जितने बड़े बड़े बेटे आ जाए लेकिन एक माँ का कर्ज कभी नहीं अदा कर पाएंगे, कभी नहीं अदा कर पाएंगे। इसलिए सारे तीर्थधाम अगर चाहो तो सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप से बढ़कर के कोई नहीं है। माँ बाप की सेवा करते रहो फिर मंदिर जाए जाते रहो, लेकिन सिर्फ अगर मंदिर गए माँ बाप रोते रहे, एक कोने में पड़े चिल्लाते रहे या वृद्धा आश्रम में पहुंचा दिया, रोजाना मंदिर जाओ, अयोध्या जाओ, नैमिष जाओ, क्या पुण्य मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए माँ बाप की सेवा अवश्य करो। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहेंगे। बोली सच्चे दरबार की जय हो।